हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे क्रोचेट फ्लावर इयररिंग्स। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्रोचेट थ्रेड, एंकर का थ्रेड है ये नंबर 8, हुक 0.5 mm, सीजर, फैब्रिक ग्लू, ईयरिंग हुक, प्लायर और स्टार्च। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्लावर बनाएंगे। फर्स्ट लेयर बनाएंगे एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन वन। इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे। इस तरह इस रिंग में 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 10 सिंगल क्रोशे बना लिए, थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्किप 2 चेन। थर्ड चेन में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में यानी नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच डालेंगे। फिर से 8 चेन बनाएंगे, सेम पैटर्न में पेटल्स बनाएंगे। इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट पेटल बना लिए, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से हमें फर्स्ट लेयर बना लेना है। नेक्स्ट सेकंड लेयर बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन वन। इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह इस रिंग में 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 6 सिंगल क्रोशे बना लिए, थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, स्किप 2 चेन। थर्ड चेन में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में यानी नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच डालेंगे।
फिर से एट चेन बनाएंगे, सेम पैटर्न में पेटल्स बनाएंगे, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट पेटल बना लिए, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे। थ्रेड को कट करेंगे, इस तरह से सेकंड लेयर बना लेना है। थर्ड लेयर बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन वन। इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे, इस तरह इस रिंग में सिक्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिक्स सिंगल क्रोशे बना लिए, थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में टू सिंगल क्रोशे, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट, फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, चेन वन, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट चेन वन बना लिए, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे। इस तरह से थर्ड लेयर बना लेना है। नेक्स्ट फोर्थ लेयर बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, रिंग बन गई, चेन वन, इस रिंग में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वन सिंगल क्रोशे, टू सिंगल क्रोशे, इस तरह इस रिंग में सेवन सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेवन सिंगल क्रोशे बना लिए, थ्रेड को खींचकर टाइट करेंगे। फर्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, इससे पहले कलर चेंज करेंगे। चेन वन, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, चेन वन, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट चेन वन बना लिए, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच डालेंगे, थ्रेड को कट करेंगे, थ्रेड को भी कट करेंगे। इस तरह से हमें फोर्थ लेयर बना लेना है। नेक्स्ट इसके बैक साइड में स्टार सप्लाई करेंगे। इस तरह से सारे पेटल्स में हमें स्टार सप्लाई करना है। नेक्स्ट से शेप देंगे। बीट की हेल्प से बैक साइड से इस तरह से प्रेस करेंगे,
तरह से शेप देंगे, इस तरह से शेप देंगे, से मिडिल में इस तरह से प्रेस करेंगे, से हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। सेकंड लेयर लेंगे, इसके बैक साइड में स्टार सप्लाई करेंगे, इस तरह से सारे पेटल्स में हम स्टार सप्लाई करेंगे। से शेप देंगे, नेक्स्ट बीट की हेल्प से बैक साइड से इस तरह से प्रेस करेंगे, से शेप देंगे, इस तरह से शेप देंगे। नेक्स्ट मिडिल में से प्रेस करेंगे, से हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। फर्स्ट लेयर लेंगे, बैक साइड में थ्रेड है, से हम फ्रंट की ओर ले आएंगे, नेक्स्ट इसके ऊपर मिडिल में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, थ्रेड को चिपका देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे। सेकंड लेयर लेंगे, बैक साइड में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे, दोनों थ्रेड को चिपका देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे। फर्स्ट लेयर लेंगे, मिडिल में ग्लू लगाएंगे, सेकंड लेयर लेंगे, इसके ऊपर से इस तरह से रखेंगे, मिडिल में से चिपका देंगे, मिडिल में से प्रेस करेंगे, नेक्स्ट थर्ड लेयर लेंगे, इसके बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, दोनों थ्रेड को चिपका देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, से हम मिडिल में चिपका देंगे। नेक्स्ट फोर्थ लेयर लेंगे, इसके बैक साइड में ग्लू लगाएंगे, सारे थ्रेड को हम बैक साइड में इस तरह से चिपका देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे। नेक्स्ट मिडिल में ग्लू लगाएंगे, फोर्थ लेयर इसके ऊपर चिपका देंगे, ईयरिंग हुक लेंगे, इसको खोलेंगे, इसे हम यहाँ इस तरह से डालेंगे, इसको यहाँ से बंद करेंगे। फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट है। फ्रेंड्स हमारे दोनों ईयर रिंग्स रेडी है, आप भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ब्यूटीफुल ईयर रिंग्स है ये।